जहां एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जाएगी। बता दें कि कोविड के कारण 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी करता है, उनको हमने आदेश दे दिए हैं, वार्ता हमने कर ली है और जो भी वो सहयोग चाहेंगे पर्यटन विभाग सहयोग देगा। क्या आकलन है सर, कितने आएंगे कांवड़ियों? अब तो काफी काफी आएंगे यात्री, क्योंकि इस समय भी आपने देखा होगा कि जो अभी कार्यक्रम हुआ था स्नान का, तो उसमें 25 लाख 26 लाख आदमी थे, तो निश्चित रूप में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यमुनोत्री में 2,48,25, गंगोत्री में 3,32,648, केदारनाथ में 6,04,446, बद्रीनाथ में 6,28,146, हेमकुंड साहब में 91,660। ये ग्रैंड टोटल जो है जिसमें कुल हमारे दर्शनार्थी और पर्यटक आए हुए हैं।